हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आप सभी लोग कैपेसिटी के बारे में स्टडी कर चुके हो जो कि होता है क्यू बाय वी। और आज हमारा टॉपिक है कैपेसिटी पता करनी है स्फेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर की। तो ये असम्पशन में रख लो कि ये रेडियस हो जाएगा हमारे पास, एक स्फीयर है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे इसको चार्ज प्रोवाइड कराते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोवाइड चार्ज, ठीक है, क्यू टू द कंडक्टर। और ये कंडक्टर है तो सारा का सारा चार्ज आप देखोगे कि ये सरफेस पर एक्यूमुलेट हो गया है लाइक दिस, ओके। तो अगर यहाँ पर चार्ज क्यू बोला गया है तो इसका मीनिंग है चार्ज के रहने की वजह से एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, और हमें पता है पोटेंशियल स्फेरिकल बॉडी का कितना होता है, तो पोटेंशियल वी गेट्स डेवलप्ड, ओके बच्चों। और V का टर्म कितना होता है आप लोगों को पता होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक से ये टर्म आती है K, जितना भी चार्ज है हमारे पास ये हो जाएगा Q डिवाइड बाय जो भी इसका रेडियस है, तो ये हो जाएगा R। पोटेंशियल सरफेस पे चेक कर रहे हैं बच्चों, और इन जनरल आप लिख सकते हो सर V का मतलब ही होता है K लिखा, जो भी चार्ज है और जहाँ तक की पढ़ाई हो रही है, तो यहाँ पर बैठ के यहाँ तक पढ़ना है, तो बच्चों मैं आर को ही लिखूंगा, ठीक। नाउ यू कैन राइट कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कितना होगा, ठीक है, C का फॉर्मूला होगा बच्चों Q डिवाइड बाय V, विच इज सिंपली Q लिखा, और V को ऊपर से लिख लेते हैं अपन, तो ये हो जाएगा K Q डिवाइड बाय R, इससे कैंसिल होता है, तो आपका आंसर आ रहा है R डिवाइड बाय K। एक बात तो ये बच्चा ध्यान में रखे कि C का मतलब होता है R बाय K, और K अपने आप में होता है 1/4πε0, और ये R, बात अभी यहाँ पर सिर्फ वैक्यूम की हो रही है, तो आप ये ध्यान रखो कि इन सब बातों पे डिपेंड करता है। अब क्योंकि इस फॉर्मूले में C इज इक्वल्स टू 4πε r में कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट हो गया वैक्यूम के लिए, तो किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, R पे डिपेंड कर रहा है, तो कैपेसिटी सीधा सीधा साइज पे डिपेंड कर जाती है जब इस तरह के क्वेश्चन अपने सामने आते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो यहां से हमें मिल रहा है कैपेसिटेंस इज सिंपली 4πε और R, या ऐसा याद करके चलो आप लोग कि जो भी R का टर्म है वो लिख देना है और डिवाइड कर देना है उसको 9×10⁻ से, और ये वैल्यू आपकी फैराड में मिलने लग जाएगी, ओके बच्चों। अब एक और कंसेप्ट बनता है हमारे पास कि सर ने वैक्यूम पे तो बता दिया और मीडियम पे पढ़ेंगे तो क्या होगा, तो ये अज्यूम करके चलो कि जब आपके पास कंडक्टर है उसको मीडियम के अंदर प्लेस कर देंगे तो कैपेसिटी ना वैक्यूम की जगह पे मीडियम की मिलने लग जाएगी, और वो सिंपली फॉर्मूले में हल्का चेंज करना है अपन को, क्योंकि देखो यहाँ पे 4πε लिखा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये फ्री स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्योंकि आपने अभी इस फ्री स्पेस को चेंज कर दिया है, मीडियम ला दिया है, तो यही फॉर्मूला बस थोड़ा बदल जाएगा, देखो 4 आएगा, पाए आएगा, एप्सिलन नॉट की जगह पर आ जाएगा आपका एप्सिलन, और ये हो जाएगा आर, राइट। और इसको अगर अपन आगे चल के एक्सपांड करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 आएगा, पाई आएगा, इसको सभी जानते हो आप कि एप्सिलॉन नॉट आएगा और एप्सिलॉन आर आएगा, और ये कितना हो जाएगा, रेडियस का टर्म आ जाएगा। तो इससे क्या क्या सामने आता है अपने कि जो कैपेसिटी होती है वो साइज और शेप पे डिपेंड करती है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक, ये सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करती है, देखो बच्चों एप्सिलॉन आर का टर्म भी आने लग गया यहाँ पे, और प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स नियर बाय, ये जो टर्म है ये अपन आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे कि कैसे कोई और कंडक्टर रख दें तो इसकी कैपेसिटी और कैसे बढ़ना शुरू हो जाती है, कंडक्टर बाजू में रखते ही ना बच्चों कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ये हमारा एक बेसिक सा प्रिंसिपल है आगे के टॉपिक्स के लिए। अब ये ध्यान में क्या रखना है कि C इज इक्वल्स टू 4πε0 आ रहा, हमारा जब भी आइसोलेटेड पूछा जाएगा, ठीक है, और ध्यान रखो ये कैपेसिटर नहीं है, ये कंडक्टर है, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन करते हैं बच्चे लोग कि स्फेरिकल कंडक्टर स्फेरिकल कैपेसिटर, अभी सर ने सिर्फ क्या पढ़ाया है, कंडक्टर पढ़ाया आपको, और जब मीडियम में आ जाएंगे अपन तो फॉर्मूला बदल जाएगा और ये हो जाएगा 4πε0εr और कैपिटल वाला R। तो इस पेज पे आपको दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, एक तो ये और एक तो ये, और ये भी याद रखो कि कैपेसिटेंस साइज शेप सराउंडिंग मीडियम और किसी और कंडक्टर की प्रेजेंस में आकर भी बदलता है, इन सब बातों को अपन आगे पढ़ेंगे, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ को अज्यूम क्या करना है, स्फेरिकल होगा और प्रॉपर कंडक्टर होगा, और ज्योग्राफी की बातें नहीं करनी है, ठीक है। तो अजम्पशन में अगर ये रखें कि रेडियस ऑफ अर्थ कॉन्स्टेंट होगा थ्रू आउट, तो ये हो जाएगा R, और R की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है बच्चों
6400 किलोमीटर्स, जिसको आप लोग इस तरह भी लिख सकते हो 6.4 10 टू पावर 6 और ये हो गया मीटर। इसकी कैपेसिटी पता करनी है, तो ये स्फेरिकल होगा और इसको भी आइसोलेटेड कंडक्टर की तरह ही स्टडी कर लो, जो ये कहता है कि कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है आर बाय के, के छोटा वाला है बच्चों ये, और आपने अभी देखा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो गया आर, राइट। तो अगर यहाँ से स्टडी करेंगे अपन तो हो जाएगा 1/9 इंटू 10 टू पावर 9 और ये हो गया 6.4 10 रेस टू द पावर 6, ठीक है। हम सॉल्व कर लेंगे इसको तो आ जाएगा आंसर 711 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 6 कैपेसिटी है और ये हो जाएगा फेरेट, ये टर्म माइक्रो बना सकती है, तो आंसर याद कर लो 711 माइक्रो फेरेट, इतनी ही होती है अर्थ की कैपेसिटी, ठीक है। वैल्यू माइक्रो में है तो बच्चे कुछ सेकंड के लिए कंफ्यूज होते हैं कि सर माइक्रो मतलब बहुत छोटी वैल्यू हो गई, तो आप ये याद करके चलो कि कैपेसिटी ऑफ अर्थ इतना ही होता है बच्चों। आइडियली अपन कहते हैं कि कैपेसिटी इसकी इन्फिनिटी होती है वगैरह वगैरह दुनिया भर की बातें करते हैं, बट ये इसका एक्चुअल प्रैक्टिकल टर्म आता है, ठीक है। और कई बार अगर प्रॉब्लम्स में आपको बोल दे कि दो कैपेसिटर्स हैं C1 और C2 और दोनों के दोनों कैसे हैं बच्चों स्फेरिकल है, तो आप बोल सकते हो कि क्योंकि अपन को याद है कि C प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, तो ऐसा लिखा जा सकता है C1 बाय C2 इज इक्वल्स टू R1 डिवाइड बाय R2। और यहाँ से और क्या मिल रहा है अपन को समझ में कि वी कैन सी दैट द कैपेसिटी ऑफ सच ह्यूज कंडक्टर इज ओनली 711 माइक्रोफेरेड। याद रखो अर्थ का कैपेसिटी होता है 711, ठीक है। इसका ये मतलब है कि माइक्रो लिखे जाने के बाद भी ये वैल्यू इतनी आ रही है, तो फेराइड सोचो कितनी बड़ी यूनिट होगी, इट इज वेरी लार्ज यूनिट। इसलिए अपन कॉमनली यूज क्या करते हैं बच्चों, माइक्रोफेरेड इज मोर प्रिफर्ड। मैंने ये बात आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई थी कि इट इज मोर प्रिफर्ड जस्ट बिकॉज कि ये माइक्रोफेरेड और फेराइड काफी बड़ी वैल्यू होता है। तो एक ये टर्म आप याद रखें, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये तो सभी बच्चों को ध्यान में आ जाएगी कभी भी बात करेंगे अपन अर्थ की तो। और पहले की थ्योरीज में अपन कहते हैं कि अर्थ सब कुछ खा पी जाता है, इसकी कैपेसिटी इन्फाइनाइट होती है, जितनी भी लाइटनिंग स्ट्राइक्स होती हैं अर्थ के ऊपर वो सब का सब अपने अंदर स्टोर कर लेता है। आगे जाके बताऊंगा ये बातें आपको मैं, तो अभी याद रखो कि पढ़ते वक्त अपन कह देते हैं बहुत ज़्यादा है और हवा में बातें करते हैं तो कहते हैं इन्फानाइट है, बट इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है 711 माइक्रोफेरेड। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों इनिशियल लेक्चर्स में कैपेसिटर्स के हमने ये क्लेम कर दिया था कि जो अब हमारे पास कैपेसिटर होंगे वो बेहतर होंगे किससे, कंडक्टर से, जब अपन बात करेंगे चार्ज स्टोर करने की, ठीक है। तो इसके पीछे एक प्रिंसिपल है, क्यों ऐसा हो रहा है, तब तो अपन ने केवल क्लेम कर दिया था कि ये बात सच है। आज तीन एग्जाम्पल और तीन केस से अपन स्टडी करने वाले हैं कि क्या एक्चुअल प्रिंसिपल है जो कैपेसिटर को इतना एफिशिएंट बनाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंडेंसर, इसको प्यारे बच्चों कैपेसिटर भी बोल सकते हो आप। केस नंबर 1 पहले समझा देता हूं मैं कि एक कंडक्टिंग प्लेट अज्यूम कर लो, लेट से ये कोई थिन प्लेट है हमारे पास, आप इसके ऊपर चार्ज दोगे तो ऑब्वियस सी बात है दोनों साइड चार्ज मिलने लग जाएगा और इसका पोटेंशियल बढ़ के वी हो जाएगा, और जिसका टर्म यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है कि कैपेसिटी, ठीक है। अभी फिलहाल बच्चों ये कंडक्टर ही है, ठीक है, कुछ नहीं बना है, ये कैपेसिटर सिर्फ कंडक्टर है, तो सी इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी आ जाएगा। अब जरा सोचो कि एक फैक्ट समझते हैं पहले कि कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं अपन, इसको बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, इसको कम करना होगा By reducing the potential and keeping the charge constant। Charge कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये difference ही खत्म हो जाएगा कि हम किस तरह से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों को क्या करना है, charge store करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि if Q is equals to क्या कर दिया बच्चों, constant, तो यही वाला expression क्या बन जाएगा, C is inversely proportional to V। V में कम कर दूंगा तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और आगे देखोगे तो आप ये बहुत कम कर देंगे तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए इससे ये कैपेसिटर जीत जाएगा और ज्यादा बेहतर तरीके से चार्ज स्टोर करेगा, एनर्जी भी स्टोर करेगा और इसको अपन और अच्छे से पढ़ना शुरू करेंगे। तो केस 1 में एक कंडक्टिंग प्लेट है जो कंडक्टर है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी है, चार्ज कॉन्स्टेंट कर लो फिलहाल तो आपको ये टर्म दिखने लग जाएगा। चलो बच्चों केस 2 को स्टडी करते हैं, ठीक है। अभी तो क्या है, कैपेसिटी यहाँ पर सी है और यहाँ देखो
नेट चार्ज इस वाले एम प्लेट पे अभी भी कितना होगा क्यू, व्हाट वी हैव डन, एक और पैरेलल प्लेट आइडेंटिकल लाकर रख दिया है, और इनिशियली ये न्यूट्रल होगा तो क्या करोगे, E बराबर P बोलोगे, और पास में रखने की वजह से यहाँ क्या हो जाएगा, इंडक्शन होने लग जाएगा। इंडक्शन क्या मतलब है कि इसके पास जो चार्जेस होंगे वो नेगेटिव के यहाँ आ जाएंगे इसकी वजह से, और प्लस वाले रिपेल होकर दूर चले जाएंगे, और ये आपको कुछ देर के लिए इससे लिंक होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे नेट चार्ज जैसे क्यू इंड्यूस पॉजिटिव का, और इस एंड पे क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू इंड्यूस ये नेगेटिव का, दोनों आपस में तो जीरो बना रहे हैं, और इस पूरे सेक्शन पे अभी भी नेट चार्ज कितना है, क्यू है, लेकिन कैपेसिटी ना बच्चों इसके आ जाने की वजह से बढ़ जाएगी, या मैं कहूंगा अभी बदल जाएगी, तो उसको सी डैश कर लो, और नेट पोटेंशियल यहाँ पे कितना हो जाएगा, वी डैश। ठीक है, तो वही बातें आपकी यहां तक लिखी हैं कि नई वाली कैपेसिटी हो जाएगी सी डैश इज इक्वल्स टू क्यू, देखो यहाँ पे क्यू है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट कर लेंगे बच्चों, तो क्यू डिवाइड बाय वी डैश। अब ये वी डैश कितना होगा इस पर ध्यान लगाओ आप लोग, ठीक है, पुराना वाला वी तो उसके पास कितना था, वी था, और यहाँ नेगेटिव चार्ज की वजह से एक पोटेंशियल यहाँ पढ़ना शुरू होगा, उसका नाम क्या रखोगे आप लोग, वी ऑफ नेगेटिव, और प्लस वाले अभी यहाँ पोटेंशियल मारेगा तो क्या नाम रखोगे उसका, वी ऑफ पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो नेट पोटेंशियल आएगा वो क्या हो जाएगा, वी प्लस वी ऑफ पॉजिटिव माइनस वी ऑफ नेगेटिव, देखो ये वही वाली टर्म यहाँ पे मेंशनड है। अब फिर ध्यान दो कि इन दोनों में ज्यादा किसकी वैल्यू है, आप देखो कि एक प्लेट आपके पास M है और यहाँ पर एक प्लेट N है, तो ये हो गया M प्लेट, ये हो गया N प्लेट, ये नेगेटिव वाले इसके पास में है बच्चों, इससे नियर अबाय हैं, तो इनका जो इफेक्ट होगा ना वो बड़ा होगा एज कम्पेयर टू ये प्लस वालों के इफेक्ट के कंपैरिजन में। तो यहाँ साइड में मैं बता देता हूँ कि V नेगेटिव बड़ी वैल्यू है V पॉजिटिव के, ये चीज़ यहाँ पढ़ते ही देखो इन दोनों में ही ज़्यादा वैल्यू है, इसका मतलब क्या है कि जो V डैश होगा ना वो छोटा हो जाएगा किससे, V से, क्योंकि देखो ये दोनों में इसमें से बड़ी वैल्यू है, नेगेटिव में आ रहा है, तो ये टर्म अगर आप समझ गए कि एक आइडेंटिकल प्लेट लाने के बाद आपका क्या हो गया, पोटेंशियल छोटा हो गया, पोटेंशियल छोटा होने का मतलब क्या होता है, देखो जरा अच्छे से, ये देखो कम करोगे क्या होगा, बढ़ जाएगा, इसी का मतलब है आपका जो सी डैश होगा वो ज़्यादा होगा किससे, पुराने वाले सी से, क्योंकि जो V डैश है वो कम है आपके पास V से। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है, जो एक कंडक्टर के पास मैंने एक और प्लेट ला दी तो ये अब बनने लग गया है ये कैपेसिटर, ठीक है, और अपन काम करेंगे तो ये एग्जैक्ट कैपेसिटर बन जाएगा हमारे केस नंबर 3 में, लेकिन यहाँ तक का बहुत अच्छे समझ के चलो बच्चों कि एक प्लेट लाते ही क्या हो गया कि पोटेंशियल कम होने लगा। ठीक है, चलो बच्चों केस 3 को पढ़ते हैं। आपने ये प्रूव कर लिया है कि जो V डैश आया था सेकेंड केस में वो कम था हमारे फर्स्ट वाले केस के V से, और इसका मतलब है कि आपका कैपेसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब मान के चलो कि ये जो आपका प्लेट है उसको एक तरफ से मैं अर्थ कर दूं, तो जैसे ये ग्राउंड करोगे तो यहाँ पे जो एक्सिस के पॉजिटिव चार्ज है ना बच्चों, ये भाग जाएंगे यहाँ पे, और ये अभी भी इससे लिंक रहेंगे। ठीक, इसकी कैपेसिटी थोड़ी और बढ़ जाएगी, तो इसको सी डबल डैश कर देते हैं, और नेट चार्ज कितना होगा यहाँ पे, अभी भी बच्चों ये नेट चार्ज क्यू ही रहने वाला है इसके ऊपर। ठीक, तो पोटेंशियल बढ़ के डबल डैश कर लो, इस नेगेटिव से पोटेंशियल पड़ेगा उसका नाम हो जाएगा वी नेगेटिव, सिंपल हो गया ये तो, और पुराना पोटेंशियल कितना था आपके पास, वी था, तो आप लिख सकते हो कि सर वी डबल डैश तो आ गया हमारा पुराना वाला पोटेंशियल माइनस ऑफ वी नेगेटिव। इसका मीनिंग बिल्कुल क्लियर है कि V डबल डैश जो है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू किससे, V से। ठीक है, अगर ये टर्म ऐसा आ रहा है तो कोई भी कह सकता है कि सर कैपेसिटी जो होगी वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाएगी किससे, फर्स्ट वाले कंडीशन की कैपेसिटी में। और ये फॉर्मूला देखो आप लोग, बार बार वही कह रहे हैं अपन, कैपेसिटी इज क्यू बाई वी, तो थर्ड केस की कैपेसिटी कितनी है, सी डबल डैश है बच्चों, चार्ज आपका क्यू हो गया और यहाँ पे वी डबल डैश आ गया। ये बस नोमेनक्लेचर्स हैं, अपन कैसे पढ़ रहे हैं इसको ध्यान क्या रखना है कि पहले हमारे पास एक कंडक्टर था, फिर उसके पास अपन ने आइडेंटिकल प्लेट लाया, और अब ये बन गया है आपका पैरेलल, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ये ध्यान रखो कि राइट साइड ग्राउंड कर दिया, यहाँ पे अपन ने चार्ज दिया है, तो पोटेंशियल जो है ना इसका, ये शुरुआत के पोटेंशियल से बहुत कम हो गया इसलिए इसकी कैपेसिटी बढ़ गई। और अब मैं समझता हूँ सबको क्लियर हो गया होगा कि कैपेसिटी कैपेसिटर की बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कंडक्टर, क्योंकि इसका पोटेंशियल क्या कर देते हैं अपन लोग, कम कर देते हैं। तो ये है थ्योरी, बेसिक लाइन पूरी याद करनी है अपन को। इफ एन आइडेंटिकल अर्थन कंडक्टर इज प्लेस
इन द विंसिनिटी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, इसके आसपास अपन ने एक आइडेंटिकल कंडक्टर ला के रख दिया, तो उसका जो कंडक्टर है ना, चार्ज की कैपेसिटी है, वो बहुत ज़्यादा, कैपेसिटेंस इसका बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल अमाउंट में बढ़ जाएगा, और इसी को अपन कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आज के बाद बिल्कुल ध्यान रखें कि कैपेसिटी जो पैरेलल प्लेट की होती है वो बहुत ज़्यादा होती है किसके, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, कैपेसिटर, और इसके बाद अपन स्टडी करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ओके।